हेलो स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे थे एंजाइना। एंजाइना की पैथोफिजियोलॉजी हम कवर कर चुके हैं। एंटी एंजाइनल ड्रग हमने स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने आपको पूरा क्लासिफिकेशन बता दिया था कि कौन कौन सी कैटेगरी की ड्रग हम एंजाइना के ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंजाइना होता क्या है? एंजाइना पैक्टोरिस, स्ट्रेंगलिंग ऑफ चेस्ट, यानी कि जब आपको क्या लग रहा है, आपके चेस्ट में पेन हो रहा है, जो दम घुटने वाली फीलिंग आती है, वही क्या है? एंजाइना है। इसमें जो पेन होता है, क्या होता है आपका? चेस्ट से ऑब्वियसली हार्ट का आए आपका लेफ्ट साइड में है, थोड़ा सा मिडिल की ओर है, तो आपका जो पेन होगा वो लेफ्ट साइड में आपके चेस्ट के या फिर सेंटर में आपका स्टार्ट होगा और रेडिएट होगा ऊपर की ओर, आपके शोल्डर की तरफ जाएगा, आपके जॉ लाइन की तरफ जाएगा। तो यही आपका एंजाइना का सिम्टम है। हालांकि और भी बहुत सारी ऐसी डिजीज होती हैं जिसमें सेम यही आपका सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे एंटी एंजाइनल ड्रग, पूरा कंप्लीट क्लासिफिकेशन हम कर चुके हैं, और अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में स्पेसिफिक। मैंने आपसे बोला था कि जो फर्स्ट लाइन ड्रग जो यूज होती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना, ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में हमें फार्माकोलॉजी पता होनी चाहिए, बिकॉज कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में एज वेल एज आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चंस इससे बनते हैं, रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहले अभी जो हम पहले डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स। ठीक है, जो कि फर्स्ट कैटेगरी थी। ठीक है, जो हम एंजाइना के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद एंटी एंजाइनल ड्रग में जो हमारा था फर्स्ट कैटेगरी ड्रग, ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स। ओके, ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स की कैटेगरी में कौन कौन सी ड्रग्स हमारे पास थी? आइसोसॉर्बाइड, मोनोनाइट्रेट, आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट, नेक्स्ट वी हैव नाइट्रोग्लिसरीन, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, इसके अलावा आपका सोडियम नाइट्राइट और एमाइल नाइट्राइट भी इसी कैटेगरी में आता है। ठीक है, मैं वो लिख नहीं रही हूँ। ये ड्रग हैं जो ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स की कैटेगरी में आती हैं। सबसे पहली बात, ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स कैसे वर्क करते हैं, अभी हमें पता चल गया ये भी कैटेगरी है। अब इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है कि दे आर वैसोडाइलेटर। जब भी ये ड्रग दी जाती हैं तो हमारी ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, और आप जानते हो एंजाइना के केस में हमें क्या चाहिए होता है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप आ चुका है। हार्ट डिमांड कर रहा है लेकिन आपकी कोरोनरी आर्टरी उसे सप्लाई नहीं दे पा रही है ब्लड की, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? अगर हम सप्लाई को इम्प्रूव करने जाएं तो हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करवाएं, सो दैट कोरोनरी आर्टरी से ज़्यादा ब्लड हमारे हार्ट को मिल सके और हार्ट में जो आपका ऑक्सीजन डिमांड है हार्ट की वो पूरी हो सके, क्योंकि हार्ट लगातार वर्क कर रहा है। तो जब कोई भी काम करता है लगातार तो इसका मतलब उसे उसकी नीड भी होगी, ऑक्सीजन भी चाहिए होगा, न्यूट्रिएंट भी चाहिए होगा। सो इस तरीके से हम वर्क करते हैं, है ना। तो सप्लाई को इम्प्रूव करने के लिए हमें कोरोनरी आर्टरीज को डायलेट करना होता है, और ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स यही करते हैं। हमारी जो कोरोनरी आर्टरी है जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है उसे डायलेट कर देते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है, ये तो समझ में आया कि दे आर वैसोडाइलेटर, बट कौन सा मैकेनिज्म वो फॉलो करती हैं? अगर आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो कैसे वो काम करते हैं, तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, सपोज ये हमारी सेल है, ठीक है, ये रही हमारी सेल। अब क्या होता है, देखो, जब भी हम ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स लेते हैं, नाइट्रेट मतलब NO3, ठीक है, तो मैं स्पेसिफिक कोई नाइट्रेट को लिख नहीं रही हूँ, केवल मैंने NO3 लिया, यानी कि ऑर्गेनिक नाइट्रेट जब भी हम लेते हैं तो ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स जो होते हैं आपके सेल परमेबल होते हैं, सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं, और अंदर एंटर करने के बाद ये किस में कन्वर्ट होते हैं आपके NO2 में, नाइट्राइट में। नाइट्रेट थे, किस में कन्वर्ट हुए? नाइट्राइट में अंदर आके, ठीक है। अब ये हालांकि मैं डायरेक्ट NO3 अंदर दिखा सकती थी बट मैंने यहाँ पे शॉर्ट ले लिया है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो नाइट्राइट है ये किस में कन्वर्ट होगा आपका? NO में, नाइट्रिक ऑक्साइड में, ठीक हो गया। ध्यान में रखना है, सबसे पहले जो नाइट्रेट्स थे नाइट्राइट में कन्वर्ट हुए, नाइट्राइट से क्या बना आपका? नाइट्रस ऑक्साइड बना, ठीक है।
अब बात ये आती है कि ये जो कन्वर्जन हुआ है, ठीक है, एनओ टू से जो एनओ बना है वो क्या होता है आपका एंजाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे जो एंजाइम्स होते हैं ना नाइट्रेट्स के केस में अलग अलग यूज होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट की और आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट की, अगर ये नाइट्रेट्स आपने लिए हैं दोनों, तो ये जो कन्वर्जन होगा, ठीक है, इसके लिए हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट एंजाइम जो है वो यूज होता है, ठीक है। जबकि अगर आपने नाइट्रोग्लिसरीन या सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड लिए हैं जो कि लो पोटेंसी नाइट्रेट्स हैं, तो इनके लिए हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में आपका ALDH2 नाम का एक एंजाइम है जो यूज होता है, ठीक है। इट मीन्स जो कन्वर्जन होगा आपका वो क्या रहेगा, आपका वेरी करेगा, एक जगह पे आप लिख सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम P450 एंजाइम, किसके लिए यूज होगा आपका, आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट और डाइनाइट्रेट के लिए, और अगर ये दोनों आपने लिए हुए हैं और कन्वर्जन होना है तो क्या यूज होगा, माइटोकॉन्ड्रियल, मैं केवल माइट लिख रही हूँ, माइटोकॉन्ड्रियल ALDH2 एंजाइम, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कन्वर्जन क्या है, एंजाइम डिपेंडेंट है, बट हर टाइप के नाइट्रेट के अनुसार ही आपका क्या होगा, ये कन्वर्जन होगा, ठीक। अब एक बार आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया, अब क्या होगा, देखो एनओ बन चुका है, एनओ क्या करेगा आपका सेल के अंदर जो हमारा क्या है ग्वानिल साइक्लेज है GC, ठीक है, GC हमारा बेसिकली क्या है, ये ग्वानिल साइक्लेज आपका एंजाइम है, ये क्या करता है, इस एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। अब जैसे ही ग्वानिल साइक्लेज एक्टिवेट होगा, ठीक है, ये इंट्रासेलुलर भी हो सकता है, ये प्रोसेस मेम्ब्रेन में भी हो सकती है, मैं इसे इस तरीके से भी दिखा देती हूँ आपको सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ये है हमारा ग्वानिल साइक्लेज जो मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड है, तो एनओ क्या करेगा, इस ग्वानिल साइक्लेज को भी एक्टिवेट करेगा। जब ग्वानिल साइक्लेज एक्टिवेट होता है तो क्या होता है, साइक्लिक GMP पाथवे पूरा आपने पढ़ा हुआ है, क्या होता है, GTP ग्वानिल ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है साइक्लिक GMP में, पढ़ा था, ठीक, जो हमारा ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट है कन्वर्ट हो गया साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट में, और जब ये कन्वर्जन होता है तो ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स अलग होंगे और वो यूटिलाइज हो जाते हैं फॉर एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज G, ठीक है, हमारा प्रोटीन काइनेज प्रेजेंट होता है एंजाइम, कौन सा वाला, प्रोटीन काइनेज G, जैसे ही साइक्लिक GMP बनता है प्रोटीन काइनेज G एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेट होते ही देखो ये क्या करेगा, MLCK मायोसिन लाइट चेन काइनेज, सबको पता होना चाहिए, मैंने पूरा आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन का पूरा प्रोसेस बताया हुआ है, उसमें मैंने बताया था कि मायोसिन का फॉस्फोराइलेट होना कितना जरूरी है, और ये वो एंजाइम है जो मायोसिन को फॉस्फोराइलेट करता है, तो इसका एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मायोसिन लाइट चेन काइनेज क्या हो जाता है आपका, डीफॉस्फोराइलेट हो जाता है, इससे फॉस्फोरस जो होगा आपका फॉस्फेट ग्रुप वो हट जाएगा, तो प्रोटीन काइनेज जी ने क्या किया, मायोसिन लाइट चेन काइनेज जो एंजाइम था इसको डीफॉस्फोराइलेट किया, यानी कि इसे इनएक्टिव कर दिया। एक बार ये एंजाइम इनएक्टिव हो गया तो क्या आपको लगता है कॉन्ट्रैक्शन हो पाएगा, मायोसिन का फॉस्फोराइलेशन कौन करता था, ये एंजाइम करता था, जब ये एंजाइम खुद डीएक्टिवेट हो चुका है तो क्या मायोसिन आपका एक्टिवेट हो पाएगा, और मायोसिन एक्टिवेट नहीं होगा तो क्या मायोसिन और एक्टिन एक दूसरे से स्लाइड कर पाएंगे, जो स्लाइडिंग मैकेनिज्म मैंने आपको बताया था, नहीं, ठीक है, तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा ना, तो क्या होगा, इट विल रिजल्ट इन टू स्मूथ मसल रिलैक्सेशन, ठीक हो गया, जो स्मूथ मसल है वो क्या हो जाएगी आपकी, रिलैक्स हो जाएगी, यानी कि आपकी जो वेसल है वो क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी, क्योंकि हमारी ब्लड वेसल कौन सी, मसल से मिलके बनी हुई है, स्मूथ मसल से, कोरोनरी आर्टरी भी तो हमारी वेसल ही है ना, तो कोरोनरी आर्टरी में क्या हो जाएगा आपका, डायलेशन हो जाएगा, यही तो चाह रहे थे आप, कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है ये डायलेट हो गई, ज्यादा से ज्यादा ब्लड किसे मिल रहा है, हार्ट को मिल रहा है, इसका मतलब हार्ट की जो ऑक्सीजन डिमांड है वो पूरी हो गई, तो एंजाइना में जो चेस्ट पेन होता है वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही होता है, जब ऑक्सीजन डिमांड पूरी हो चुकी है तो चेस्ट पेन खुद ब खुद क्या हो जाएगा आपका,
हट जाएगा, सबसाइड हो जाएगा। समझ में आया मैकेनिज्म कैसे आपके नाइट्रेट्स वर्क करते हैं? ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है जो आपको दिमाग में रखना है ना। अब इसके बाद ये तो था आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। इसके साथ मैं आपको इंटरेक्शन बता देती हूँ, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन है जो आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए पहले से थोड़ा सा इसका वो ले लेते हैं हम, ठीक है। देखो, जो ये साइक्लिक जीएमपी आपको दिख रहा है ना, आपको पता था जीटीपी जब साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट होता था तब जाके ये प्रोटीन काइनेज जी का एक्टिवेशन हो रहा है, ठीक है। अब होता क्या है, देखो हमारी बॉडी में आपको पता है हर चीज के लिए हमारे होम्योस्टेसिस होता है ना, यानी कि बैलेंस बना रहता है। अगर साइक्लिक जीएमपी की वजह से हमें पता है वेसल्स डायलेट हो रहे हैं, तो इस साइक्लिक जीएमपी के इफेक्ट को खत्म करने के लिए या बैलेंस करने के लिए भी एक सिस्टम जरूर होगा, ठीक है। जैसे साइक्लिक एएमपी के लिए भी था, ठीक है। वो क्या है, तो क्या होता है, जो ये साइक्लिक जीएमपी है, मैं बाहर प्रोसेस दिखा रही हूँ बट ये सेल के अंदर ही हो रहा है, ठीक है। साइक्लिक जीएमपी जो होता है, एक स्पेसिफिक एंजाइम हमारे पास है फॉस्फोडाइस्ट्रेज, ठीक है, पीडीई 5। इसकी बहुत सारी आइसोफॉर्म्स होती हैं, यहाँ पे जो आइसोफॉर्म यूज हो रही है वो कौन सी है आपकी, पीडीई 5, ओके। फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम है, तो फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम क्या करता है, फटाफट से इस साइक्लिक जीएमपी को क्या कर देता है आपका, 3 डेज 5 डेज साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट कर देता है, जो कि क्या है आपकी, आप कह सकते हो ये क्या हो गई, इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक हो गया। अगर एक बार साइक्लिक जीएमपी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, साइक्लिक जीएमपी का अगर एक बार कन्वर्जन हो जाता है इस फॉर्म में, तो अब क्या होगा, साइक्लिक जीएमपी का लेवल इस प्रोसेस के बाद क्या होगा, साइक्लिक जीएमपी का लेवल कम हो जाएगा, तो जो आगे की प्रोसेस है ये भी क्या हो जाएगी, खुद ब खुद सप्रेस हो जाएगी। समझ में आ रहा है, तो पीडीई 5 एंजाइम ने क्या किया, साइक्लिक जीएमपी के इफेक्ट को रेगुलेट करने का काम किया, क्योंकि साइक्लिक जीएमपी वैसोडाइलेशन करता था। साइक्लिक जीएमपी जैसे ही इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो वैसोडाइलेशन थोड़ा क्या होने लगेगा आपका, कम होने लगेगा, बैलेंस बनेगा, ठीक है। अब होता क्या है, ये मैं क्यों आपको बताया मैंने, तो इसका रीजन ये है, देखो सपोज, ठीक है, अगर एक इंसान है जिसे एंजाइना है और वो नाइट्रेट्स ले रहा है, तो ये पूरा मैकेनिज्म उसकी बॉडी में चल रहा है सेलुलर लेवल पे, यानी कि वैसोडाइलेशन हो रहा है, ठीक है। अब एट द सेम टाइम अगर उसे इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग है, जो कि सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग है बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो उसमें आपका बेसिकली हो क्या रहा है, आपका क्या हो रहा है, इरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, ड्यूरिंग आफ्टर सेक्सुअल अराउजल जो इरेक्शन होता है, इजैकुलेशन होता है, उसमें दिक्कत आ रही है, ठीक है। उसका इलाज क्या है, उसका इलाज यह है कि वहां पे भी हमें क्या देने पड़ते हैं, वैसोडाइलेटर्स देने पड़ते हैं। जब ब्लड वेसल्स जो फैलस की तरफ, पेनिस की तरफ जो ब्लड वेसल्स आपकी जा रही हैं, अगर उनको हम डायलेट करवा दें, कोई मेडिसिन ऐसी हो जो उन्हें डायलेट कर दे, तो क्या होगा, ब्लड फ्लो उस एरिया का क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा, तो वो इरेक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। वो पूरी प्रोसेस हम जब हम इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी, ओके। सो हुआ क्या, वहां पे भी हम वैसोडाइलेटर्स दे रहे हैं, उनका टारगेट क्या होता है, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। उन वैसोडाइलेटर्स का टारगेट क्या होता है, इस पीडीई 5 एंजाइम को इनहिबिट करना, जिसमें एक बहुत अच्छी ड्रग मैं बता देती हूँ, एक ही ड्रग यहाँ पे बता रही हूँ मैं, सिल्डेनाफिल, ओके। सिल्डेनाफिल जो वायग्रा आता है उसमें भी, उसका भी एक कॉम्पोनेंट है आपका, एसेंशियल कॉम्पोनेंट। सो होगा क्या, देखो ये एंजाइम इनहिबिट हो गया, तो ये एंजाइम इनहिबिट हो गया, तो क्या साइक्लिक जीएमपी या फिर साइक्लिक एएमपी, दोनों के कन्वर्जन के लिए, साइक्लिक एएमपी हो चाहे साइक्लिक जीएमपी हो, दोनों के कन्वर्जन को रोकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो साइक्लिक जीएमपी 3 डेज 5 डेज साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट नहीं होगा, क्लियर है, यानी कि इसका लेवल क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। बढ़ेगा तो ये प्रोसेस और भी ज्यादा क्या होने लगेगी, ज्यादा आपकी होने लगेगी, यानी कि वैसोडाइलेशन आपका क्या होगा, बहुत ज्यादा वैसोडाइलेशन होगा, है ना, यही तो हमें चाहिए था, ठीक। लेकिन अब आप यहां देखो, नाइट्रेट्स तो वैसोडाइलेशन कर रहे हैं, साथ में सिल्डेनाफिल भी इंसान ले रहा है, जिसकी वजह से जो नाइट्रेट्स के इफेक्ट को कंट्रोल करने का काम पीडीई 5 करा करता था, लेकिन वो भी इनहिबिट हो चुका है, तो इसकी वजह से जो फाइनली वैसोडाइलेशन होगा वो क्या होगा, अनकंट्रोल्ड वैसोडाइलेशन होगा। और आप जानते हो अगर बहुत ज्यादा वेसल्स डायलेट हो जाएंगी तो बीपी एकदम ड्रॉप कर जाएगा, और ब्लड प्रेशर एकदम ड्रॉप कर जाएगा, तो ऑर्गन परफ्यूजन आपका क्या होगा,
नहीं हो पाएगा, ब्लड आपके हायर कंपार्टमेंट से नीचे की ओर आने लगेंगे, तो इंसान क्या हो सकता है आपका, कोमा में जा सकता है, डेथ भी हो सकती है इवेंचुअली। समझ में आ रहा है ना? सो कभी भी अगर नाइट्रेट्स कोई ले रहा है तो उसे ये ड्रग नहीं लेनी है, PDE5 इनहिबिटर्स नहीं लेनी है। इन दोनों ड्रग्स का इंट्रैक्शन है, आई होप इंट्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था ड्रग इंट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स विद PDE5 इनहिबिटर्स, ठीक है, जिसमें सिल्डेनाफिल, टेडेलाफिल बहुत सारी ड्रग्स हैं, वो हम बाद में स्पेसिफिक जब हम इसकी बात करेंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग की तो वहां पे हम इसे डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट और क्या चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, वो है आपका एडवर्स ड्रग रिएक्शन। कि जब भी अगर कोई ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स ले रहा है तो क्या क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकती है, जिसके लिए आपको पेशेंट को पहले से बताना पड़ेगा सो देट वो परेशान ना हो, ठीक है। ADRs देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो ध्यान रखना है अपने, BP कम हो जाएगा, क्योंकि देखो वैसोडाइलेशन हो रहा है तो ब्लड प्रेशर ऑब्वियसली कम हो जाएगा, क्योंकि केवल कोरोनरी आर्टरी तो अफेक्ट होगी नहीं, बाकी आर्टरीज में भी अफेक्ट पड़ेगा, है ना। सो BP कम होगा जिसकी वजह से सिम्टम आएगा फ्लशिंग, ठीक हो गया। नेक्स्ट इज हेडेक। व्हाई हेडेक, क्यों हुआ हेडेक? बिकॉज हमारी जो सेरेब्रल ब्लड वेसल्स हैं वो भी कोई इससे बच के तो रहेंगी नहीं, जो सेरेब्रम आपके ब्रेन में जो आपकी आर्टरीज बेसिकली ब्लड सप्लाई कर रही है वो भी आपकी, या सेरेब्रल जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी डायलेट होंगी, और आप जानते हो अगर एक्सेसिव डायलेशन हो जाता है हमारी सेरेब्रल ब्लड वेसल्स का, जो कि माइग्रेन में भी होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हेडेक होता है। समझ में आया? तो ये आपका सेकेंड सिम्टम है। थर्ड जो है आपका, उसे मैं ADR बोलूं या अलग से भी आप बोल सकते हो, ये इसके साथ प्रॉब्लम ये है, ये क्या करता है आपका, टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस, ये इसका ADR है, ADR बोल सकते हो इसको। लेने की वजह से इंसान में टॉलरेंस आ जाती है या फिर डिपेंडेंस आ जाती है। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक सिंड्रोम को समझाऊंगी यहाँ पे, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मंडे सिंड्रोम। अब आप बोलेंगे कि ये क्या डेज के नाम पे कौन सा सिंड्रोम आ गया, मंडे सिंड्रोम। तो ये मंडे सिंड्रोम बेसिकली है क्या, ये मैं आपको बता देती हूँ, और इससे ही आप टॉलरेंस डिपेंडेंस समझ जाएंगे, ठीक है। तो हुआ क्या, जो लोग कुछ ऐसे, ये ऑक्यूपेशनल बेसिकली आप ADR बोल सकते हो, ठीक है। हुआ क्या था कि कुछ वर्कर्स थे जो नाइट्रोग्लिसरीन जहाँ पे बनती है उस कंपनी में काम करते थे, इंडस्ट्री में काम करते थे, और डायनामाइट इंडस्ट्री में काम करते थे। बिकॉज एक चीज मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपका डायनामाइट के अंदर भी आपका एक कंपाउंड होता है, कंपोनेंट होता है जो नाइट्रोग्लिसरीन की तरह होता है। सो चाहे डायनामाइट इंडस्ट्री हो चाहे आपका नाइट्रोग्लिसरीन इंडस्ट्री हो, तो जो वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे थे, नाइट्रोग्लिसरीन दिख रहा है ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स की कैटेगरी का है, ठीक हो गया। तो हुआ क्या था, वर्कर्स काम कर रहे थे, फर्स्ट डे जब मंडे में वो आते थे काम पे तो उन्हें एकदम से हेडेक होना स्टार्ट हो जाता था, BP उनका लो हो जाता था, ठीक है। बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता था, लाइक मंडे वो आए, ट्यूसडे आए, ठीक है, वेनसडे आए, इस तरीके से जैसे जैसे वो आए, तो पहले एक दो दिन उन्हें ये चीज प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो प्रॉब्लम खत्म हो गई। समझ में आ रहा है? ठीक। अब हुआ गया, जैसे ही सैटरडे आया, सैटरडे के बाद संडे आता है तो एक गैप मिल गया ना, 24 आवर्स का गैप मिल गया। सो हुआ 24 से ज्यादा का भी गैप मिला होगा ऑब्वियसली, तो वो गैप की वजह से क्या हुआ, अब जब नेक्स्ट टाइम वो आए मंडे में, दोबारा वर्कर्स आए कंपनी में काम करने के लिए, तो वापस से उन्हें हेडेक होना स्टार्ट हो गया। समझ लो, मतलब मंडे में ये प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए से मंडे सिंड्रोम बोला। अब ये प्रॉब्लम मंडे में क्यों हो रही थी, देखो नाइट्रेट्स की एक खासियत होती है कि अगर नाइट्रेट्स के से आप एक्सपोज्ड हैं, आप लगातार नाइट्रेट्स ले रहे हैं, ठीक है, तो नाइट्रेट्स बहुत जल्दी क्या करते हैं, टॉलरेंस कर देते हैं। यानी कि मंडे में इंसान आया था, काम कर रहा था, नाइट्रोग्लिसरीन के कॉन्टेक्ट में आया, पहले उसे एडवर्स ड्रग रिएक्शन आ रही थी, हेडेक हो रहा था, BP उसका लो हो रहा था, लेकिन जैसे वो कांटेक्ट में आया, कुछ टाइम तक रहा, तो उसके बाद वो प्रॉब्लम सबसाइड हो गई। नेक्स्ट डे जब आया तो उसे वो प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। अब लेकिन क्या हुआ, जब उसको एक और खासियत नाइट्रेट की ये है कि अगर आप 12 आवर का गैप रख देते हो, ठीक है, 12 आवर का गैप आप अगर नाइट्रोग्लिसरीन की कंपनी में आप काम कर रहे हैं और आप 12 आवर के गैप को रख देते हो और उसके बाद आप काम पे वापस आते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका बीच वाला
जो रिसेप्टर्स आपके डिसेंसिटाइज हो चुके थे ना, टॉलरेंस में यही तो होता है, रिसेप्टर डिसेंसिटाइज हो गए थे, इसीलिए आपको मंडे के बाद आपको असर होना बंद हो गया था। लेकिन जैसे ही संडे में आपको बहुत टाइम मिल गया, ठीक है, आप नाइट्रोग्लिसरिन से दूर हैं, तो आपके रिसेप्टर दोबारा से क्या हो जाते हैं, आपके सेंसिटिविटी सेंसिटाइज हो जाते हैं। तो जब आप नेक्स्ट मंडे काम पे आएंगे, नाइट्रोग्लिसरिन फिर से ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन देना शो आपका दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो इसे बोलते हैं हम मंडे सिंड्रोम। मंडे सिंड्रोम इसीलिए बोला गया क्योंकि जो प्रॉब्लम आ रही थी वो मंडे में आ रही थी, धीरे धीरे जैसे जैसे वर्कर्स काम करते जा रहे थे पूरे वीक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वीकेंड में जब गैप मिला तो रिसेप्टर्स क्या हुए आपके वापस से सेंसिटाइज हो गए। तो इसीलिए क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम मंडे जब वो आए तो वापस से सिम्टम्स आने स्टार्ट हो गए। तो इसका मतलब पहले क्या हुई, टॉलरेंस हो गई, ठीक है। जब आप लगातार किसी के कांटेक्ट में रहे, आपके रिसेप्टर डिसेंसिटाइज हुए, टॉलरेंस आ गई। लेकिन जैसे ही आपने एक बीच में गैप दिया 12 आवर्स का, अच्छा खासा गैप आपने दिया, तो दोबारा से आपका क्या हुआ, सिम्टम्स आने स्टार्ट हो गए। तो ये था आपका मंडे सिंड्रोम, जो कि आपका ऑक्यूपेशनल इसलिए बोला मैंने क्योंकि ये इंडस्ट्री में ये सिंड्रोम ऑब्जर्व हुआ था, ये प्रॉब्लम सबके साथ हो रही थी, तो तब जाके ये पता लगा कि हाँ ये नाइट्रेट्स की वजह से, नाइट्रोग्लिसरीन की वजह से हो रहा है, और जो धीरे वो एक दिन हो रहा है फिर नहीं हो रहा, उसका कारण टॉलरेंस है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट आपको बात ध्यान में रखनी है, फोर्थ जो आपका इसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो है मिथेमोग्लोबिनेमिया। अब ये क्या है मिथेमोग्लोबिनेमिया, क्या है आपका, बेसिकली नाइट्रेट्स लेने के बाद होता क्या है मैं बता दूं आपको, जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन में जो आयरन है हमारा, हमेशा ध्यान रखेंगे जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के अंदर ऑब्वियसली आयरन होगा, ठीक है। आयरन हमेशा कौन सी स्टेट में होता है आपका, फेरस स्टेट में होता है, Fe2 पॉजिटिव फेरस स्टेट, ओके। बट जैसे ही आप नाइट्रेट्स लेते हो, ठीक है, कोई भी आपने नाइट्रेट लिया, तो क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन का जो आयरन है वो अपनी स्टेट कन्वर्ट चेंज कर देता है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe3+ में। और इस टाइप के जो ये कंपोजिशन बनी है, यानी कि नाइट्रेट्स की वजह से जो हीमोग्लोबिन की फॉर्म चेंज हुई है, आयरन की फॉर्म चेंज हुई है, फाइनली जो ये कंपाउंड बना है इसको हम क्या बोलते हैं, मिथेमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, मिथेमोग्लोबिन। सो होगा क्या, अगर आप नाइट्रेट्स ले रहे हैं तो नाइट्रेट्स की वजह से आपका जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में जो आयरन है अपनी स्टेट को कन्वर्ट कर देगा, और अब आप हीमोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन ना बोल के क्या बोलोगे, मिथेमोग्लोबिन बोलोगे। और इसका क्या डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, तो ध्यान रखिएगा जो हमारा फेरस के कंपैरिजन में, अगर आप फेरिक को देखोगे तो इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, तो जब आपका मिथेमोग्लोबिन एक ज्यादा लेवल पे बनने लग जाए, ठीक है, इसलिए नाइट्रेट थेरेपी कंट्रोल्ड होनी चाहिए। अगर मिथेमोग्लोबिन बहुत ज्यादा बन जाएगा, यानी कि हीमोग्लोबिन में आपका फेरस की जगह फेरिक आयन आने लगेंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, और जब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की कम हो गई तो क्या होगा, हमें कौन सी सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी, हाइपोक्सिया। ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, और हम एंजाइना में हम ऑक्सीजन के लेवल को इम्प्रूव करना चाह रहे थे, और इसने क्या किया, ऑक्सीजन के लेवल को कम कर दिया, ठीक हो गया। सो ये एक एडवर्स रिएक्शन है, इसीलिए नाइट्रेट्स मैंने बार बार बोल रही हूँ कंट्रोल्ड मैनर में ही लेने हैं, ठीक है। सो ये आपका क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, देखें और आपका क्या इसमें रह रहा है। हाँ, तो अब हम बात करेंगे यूजेस के बारे में। यूज एक तो आपको पता चल ही गया है, एंटी एंजाइनल की जगह के अंडर हम पढ़ रहे हैं, तो इट मींस एंजाइना के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं नाइट्रेट्स, ठीक है, वैसोडायलेशन करते हैं। सेकेंड यूज क्या है इनका, साइनाइड पॉइजनिंग, ठीक है। अगर किसी ने साइनाइड ले लिया है तो उसकी पॉइजनिंग में हम इसे यूज करते हैं। अब इसे कैसे यूज करते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है, और इसे सोडियम थायोसल्फेट के साथ कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, तो इसका पूरा हम मैकेनिज्म नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डिटेल में, साइनाइड पॉइजनिंग, रोल ऑफ नाइट्रेट्स इन साइनाइड पॉइजनिंग, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।